नमस्कार दोस्तों, अब जो है सुबह सुबह 6:30 बज रहे हैं और जो है सुबह सुबह भोर में ही अपनी गन्नों की ट्रॉली लेकर चल रहे हैं। फटाफट बबलू भाई ने वहाँ जाकर ट्रॉली जुड़वा दी है और निकल रहे हैं मील की तरफ। तो सब लेकर चल पड़े हैं ट्रॉली को, क्लाइंबिंग क्लाइंबिंग धीरे धीरे। अच्छा, लोड मानने का दोस्तों, सूर्य देवता तो आ गए हैं पर फिर भी सुबह सुबह कोहरा है। राम राम। तो दोस्तों कोहरा रहता ही है अब सुबह सुबह, तो अब मैं आपको जो भी रास्ते में नए बीज के प्लॉट खड़े हैं मैं दिखाता हुआ चलूंगा। 38 में तो सभी को पता है कि जिन भाइयों के चल रहा है वे तो फॉर्मूला पता नहीं रहे, और आधे से ज़्यादा भाई परेशान है क्योंकि किसी भी तरह से चल नहीं रहा है। तो दोस्तों ये देखते हैं कि हाँ, ये 23 बीज का प्लॉट खड़ा है। दोस्तों ये बीज नंबर वन पर चलेगा। इस 23 बीज के बारे में कोई भी गलतफहमी ना रखना, क्योंकि गिद्दड़ ये भी 23 खड़ा है। देखो 23 का प्लॉट है ये भी। तो आ जाओ आ जाओ। तो दोस्तों और आगे भी दिखाता चलूंगा, उधर से जो है चाचा आ रहे हैं, एक बार उनसे बात कर लेते हैं। अब दोस्तों 38 के बराबर में ये खड़ा है, यहाँ थोड़ा सा 23। तो और दोस्तों ये खेत तो मैं आपको वो दिखा रहा हूँ जो बारिश में बिल्कुल खत्म हो गए थे, बिल्कुल पेंडे गल गए थे, बिल्कुल खराब हो गए थे। और इधर ये राजा जा रहा है, राम राम। और ये देखते हैं, ये टिंकू और मिंटू भाई का है, ये भी बारिश में खेत खत्म हो गया था लेकिन चला बहुत फरवरी में। ये पप्पू शेर खान जा रहा है। और दोस्तों अब जो है धीरे से रोड पार करेंगे चोपला देखते हुए। और ये चाचा जा रहे हैं फार्म ट्रैक लेके, अब ये भी भर के शुद्ध मील में आएंगे चाचा दीपक। और ये मैंने आपको यहाँ गेंदा का वो दिखाया था प्लॉट, फिर दोस्तों इसके बाद में काफ़ी दूर जाके राम राम जी। और ये देख के मनीष भाई का शेर, दो पूछा दी तीन चार भाई, वाह बहुत बढ़िया। और दोस्तों यहां से निकाल रहा है उस पैटरे पे से, बहुत बढ़िया पुन्ना लवारा मील में चल रहा है दोस्तों। और यहां से जो है इन्हें मील नजदीक पड़ता है, तो ये यहां से भर के इस पैटा लंबा पैटा बना रखा है और इससे जो है शुद्ध मील में पहुंचते हैं। बहुत ही शानदार दोस्तों, आपस में प्यार का भाव रखें, मनमुटाव ना रखें, जिंदगी मिली है तो इसका मजा लें। इसे जो है आप किसी को नीचा दिखाने में या अपने अभिमान में खराब ना करें, जिंदगी में मजा लें। हर कोई अपने आप में श्रेष्ठ है, सभी में अपने अपने गुण हैं, किसी में किसी तरह के गुण हैं, किसी में किसी तरह के। आप अपने प्रेम भाव से गुणों को आपस में मिला के और अपने जीवन को मज़ेदार बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ किराए की गाड़ी भी हो सकती थी, यहाँ बुग्गी भी हो सकती थी, छोटा बुग्गी, यहाँ पुराना ट्रैक्टर भी हो सकता था अदर कंपनी का। आप इसे मैसी ना मान के चलें, इसे A to Z मान के चलें। ये है, और बाकी देखें ये किसान भाई वे हैं जो सुबह 4 बजे आके खेतों में लग जाते हैं, कि अभी जो है 7 बजने वाले हैं या बज गए होंगे, 7:30। इधर सिरसो चली रही है। तो दोस्तों प्रेम भाव रखें। अब देखो टॉप नहीं लगने का मील तक, ये तीसरे में चल रहा, क्योंकि टॉप में चाल इतनी ज़्यादा हो जाती है कि ये काबू से बाहर हो जाता है, पहिए उठा दे मोड़ पे ट्रॉली के। तो दोस्तों जहाँ जितनी ज़रूरत है, क्योंकि बहुत बार देखा गया है कि हम अपनी बोलचाल की और शब्दों की सीमा लांग जाते हैं, तो जो आपके मुंह से शब्द अच्छे बुरे निकल गए तो उनमें दिक्कत यही आती है कि बुरे शब्दों को लोग अपने पास रख लेते हैं, अच्छों को सुन के खुश होते हैं लेकिन अच्छाई को कोई पास नहीं रखता, बुरों को पल्ले गांठ बांधते हैं, इसीलिए समाज में बुराई फैलती है, क्योंकि बुरे जो शब्द हैं वे भारी होते हैं। तो वैसे यही है कि बुराई से बचें। ये जो
सुख की सड़ान, सुख की मरोड़ हमारे मन में है, इससे बिल्कुल ना आने दें, इसे निकाल दें, इससे कोई फायदा नहीं है। आपके पास में जो गुण है, जो कोई फॉर्मूला है या जो कोई अच्छी चीज़ है, उसे दूसरे के साथ में ज़रूर शेयर करें। वो उसका भाग्य है, वो उसे ले ना ले, लेकिन आपको अपनी तरफ से अच्छी बात, कई बार बुरी बात और बुरे फॉर्मूले भी अच्छा कर देते हैं समाज में, तो ऐसी बात नहीं है। समाज को कुछ ना कुछ अच्छा दें। ये जो मैंने आपको रास्ते में प्लॉट दिखाए, किसान दिखाए, इनमें अपनी एक अच्छाई है कि ये निरंतर अपने काम पर लगे हुए हैं, अपना काम नहीं छोड़ रहे। इन्हें पता है ये जीवन है, ये एक ऐसी चढ़ाई है जिसे हमें चढ़ना ही चढ़ना है, रो के चढ़ो चाहे हंस के चढ़ो। तो दोस्तों ये देखें, ये एक 98014 का प्लॉट आ गया, बहुत ही भयंकर गन्ना इसमें चल रहा है। तो ये दोराड़ा के हैं अपने भाई, बड़ के पेड़ वाले, जिनके बड़ के पेड़ की ट्वेल है, संपर्क कर सकते हैं बीज के लिए। जहाँ यहाँ पत्ती भरी जा रही है, जहाँ पर रेड रोट ज़्यादा आ गया है, वहाँ बेखौफ इस बीज को बोले, इसका कुछ नहीं बिगड़ता भाई, जब पानी दे जाओ, टाइम से बंधवाए जाओ। ये जो है बड़े आराम से, जहाँ 38-90 का 100 का निकलता है, ये 70-80 का निकल जाता है आराम से, बस ये पानी का ध्यान रखें। और ये देखें नज़ारे, कि कुदरत का करिश्मा देखें, कि जिन पेड़ों में गर्मियों में राहत मिलती है, उन्हीं पेड़ों में सर्दियों में भी राहत मिलती है। कब उल्टा हो जाता है कि गर्मियों में तो दिन में राहत मिलती है और सर्दियों में रात में। अब मैं यहाँ से चल रहा हूँ तो मुझे गर्म गर्म भाप मिल रही है, क्योंकि इधर बगीचा है और इन पेड़ों में नील गायें और घुमंतु जानवर जो हैं, जितने भी हैं जंगलों में रहने वाले, सब इसमें समाय रहते हैं और फिर सुबह होते ही निकल के भाग जाते हैं। और दोस्तों ये यहाँ मील की वो मिट्टी है जो गन्ने में लग के जाती है और बॉयलर में नीचे जम जाती है, तो ये वो मिट्टी है, मलवा है, तो ये भी मिलती है, पैसों में मिलती है। जिस ज़मीन में कुछ नहीं हो रहा उसमें इसे डाल दो, इसमें 100 तरह के केमिकल हैं और 100 जगह की मिट्टी होगी, कम से कम 100 जगह की किसानों के खेतों की मिट्टी होगी। तो ये देखें, तो ये मील के बॉयलर से निकलती है नीचे, जो गाद जम जाती है, ये वो गाद है, बहुत बढ़िया। अब आगे भी नए बीज के प्लॉट आएंगे, वो भी दिखाऊंगा मैं आपको। इधर ये नेपियर चल रहा है छोटे वाला। तो दोस्तों ये भी एक बहुत ही शांति की जगह आ गई, बड़ का पेड़। तो यहाँ पे जो है रात में पुलिस बैठती है आके, और ये आधा रास्ता आ जाता है। तो ये सबसे पहले गेहूँ बो गए हैं इस तरफ यहाँ, तो यहाँ रोकेंगे आगे, ट्रैक्टर को आगे निकलवाएंगे फार्म ट्रैक को। तो दोस्तों ये देखें, इन्होंने जो है जई बरसी नेपियर के बीच में बो रखी है, तो ये अपने पशुओं के लिए इतना पौष्टिक चारा रखते हैं कि बहुत बहुत अच्छा, और पहरा भी देते हैं, घुमंतु जानवरों को नहीं घुसने देते। तो इन भाइयों ने भी, जो मैंने यहाँ शॉट डाला था पिछले साल सीजन में, कि 23 बीज छुलाई हो रही थी बड़ के पेड़ के नीचे, तो इन्होंने यहाँ बोया था ये। तो दोस्तों ये नॉर्मली लागत में बहुत अच्छा हो गया। और जो भाई बताते हैं कि इसमें गिद्दड़ लगता है, तो उस बात से ही इस बात का बल मिलता है कि ये बीज चलेगा अर्ली में, क्योंकि गिद्दड़ उसी बीज में लगता है, गन्ना बीज में, जिसमें सबसे ज़्यादा रिकवरी होती है। ये बात गौर करने की, हमने भी जब से होश संभाला हम इस बात को आज मारे हैं। ओहो, यहाँ भी नहीं मान रहे, यहाँ भी मुझे खड्डे में ही खुदाओगे, कहता गंगा जी की बहुत लंबी मंजिल पड़ी, वहाँ सारे चूड़े खुदा लियो, सबके जोर हो जाएंगे। वहाँ भी बचाव बचाव भी हो रही। तो दोस्तों ये देखें, सिरसो कितनी शानदार खड़ी है, अरे ये देखें कितनी मोड़क में चल रहा है वैसा फुल साइज। दोस्तों ऐसा छोटा काम करे, अगर ऐसे डंगर की गौर कर लें और दो जेवड़ों में रोक लें, तो भले ही भले न्यार न्यार में काम करता रहे जालिम, चल कहने की तो जरूरत ही नहीं। अब दोस्तों नाले पे पहुंचने वाले हैं, ये यहाँ प्याऊ बोल दी जाती है, प्याऊ पे पहुंच गए हैं। तो दोस्तों नाला पार कर गए हैं,
ये वो घिमो का 0238 है जिसमें न्यूलैंड एक्सेल ने 4x4 ने मशीन से गेहूं बोए थे। दोस्तों मशीन से गेहूं जिन्होंने भी बोए उनके गेहूं इस बार गिर गए थे क्योंकि बारिश ज़्यादा आई, मशीन का गेहूं तकड़ा बहुत हो जाता है। तो दोस्तों अब की बार हमारा प्रोग्राम है, हमारे यहाँ जैसे गन्ना अर्ली है और पचेती वैरायटी है अगेती पचेती, उसी तरह हमारे यहाँ 226 बीज को ज़्यादा पसंद करते हैं। तो अब का मेरा मन बन रहा है कि 226 को WP70 को मिला के बोएं, क्योंकि 26 से WP70 थोड़ा ऊंचा है ज़्यादा, तो ऊंचा होने की वजह से उसमें ज़्यादा मतलब पैदावार थोड़ी बढ़ेगी उसमें। और दोनों ही बीज अच्छे हैं क्योंकि हमारे यहाँ पहले 226 से पहले WP70 खाया गया। अब दोस्तों ये 38 साग है, फिर आलूओं का लेट हो गया था बारिश की वजह से, आप भी देखते रहे थे, ये 23 है और बहुत बड़ा प्लॉट है, करीब होना हो 10 बीघे का खेत ना हो। तो दोस्तों ये बहुत लेट हो गया था, गेहूं से भी बाद में बोया गया था और बहुत ही कम लागत का है और बहुत ही अच्छा। तो ये ध्यान रखें कि ये 14201 23 ये ऐसे बीज हैं जो चलेंगे, बल्कि 23 ज़्यादा बढ़िया है, 13235 23 और 0118, इन बीजों को अरेंज कर लें जहाँ भी हों, किसी रूम में ना पड़े और जो है बोएं अपना जरूर। इसकी पेटी भी बहुत अच्छी होती है और ये देखें जो लाला भाई वाला गुरुजी कटड़ा है, ये देखें गुरुजी दाएं दाएं आ रहे हैं और बढ़िया। तो दोस्तों ये जो कटड़ा है जिनके पास पहले रहता है उन्हीं का नाम बोला जाता है, ये कवित भाई के पास में था और अब कवित भाई के पास में दूसरा कटड़ा है, वो भी बहुत बेहतरीन है। कवित भाई कटड़ा बहुत अच्छा रखते हैं, बेशक छोटा मिल जाए पर जीदार रखते हैं, तो ये कवित भाई वाले के नाम से बोला जाता है, लाला भाई के पास में है और बहुत ही बेहतरीन पहुंचा हुआ, तो इसी वजह से इसे गुरुजी कहते हैं क्योंकि यो जो है बगैर खुराक के भी कितनी खुराक खा रखी हो किसी जोटे ने, मतलब गले में गल जा। अब दोस्तों यहाँ इनके चांदवीर भाई जी वाले चक पर पहुँच गए हैं, चारा है, सरसों है, फिर आगे भी सरसों है, ये पूरा गांव से लगा हुआ पूरा बहुत बड़ा चकीनी का है, तारबंदी भी करवा रखी है। इनके पास में भी एक नया बीज है इधर ट्रेंच का, वो भी आपको दिखाता हूँ। तो ये बीज है और ये इन्होंने ट्रेंच में बो रखा है, बात करेंगे भैया से अगर बीज के लिए संपर्क कर सकते हैं, बड़ी कम लागत का है और बढ़िया है। हेल्थ के पीछे पड़ रहे सारे, कोई रेस लगा रहा पैदल, कोई साइकिल चला रहा, बढ़िया है। तो दोस्तों बस एक जगह यहाँ जोड़ पर आके ही स्लो होती है गाड़ी क्योंकि यहाँ जो है थोड़ी सड़क टूट रही है। अब फ़ोन बंद करके आपको वहीं ऑन करेंगे मील पे। दोस्तों पहुँच लिए हैं और आगे ट्रक में 98014 ही भर रहा है पूरे में ऊपर तक, ये देखते हैं, ये मैं आपको दिखाऊँ, दूर से भी आपको दिख रहा होगा। तो 98014 भी जैसा है ये बहुत जगह तो बहुत आयत में बोया जाता है, क्यों? क्योंकि आपको 3-4 हज़ार बीघा की लागत ही नहीं लगानी, ट्रेंच में बोलो तो और भी कम, 6-7 हज़ार रुपये हैंड टू हैंड बचेंगे आपके, चारा बहुत है, पानी पानी का बीज है ज़मीन में, गोबर की खाद, ये देखें कितना। और अब मैं साइड में अपनी साइड में मुड़ूंगा, ये देखें इसमें जितनी कम स्पीड रखें आप मोड़ते हुए उतना आपको ज़्यादा बेनिफिट है कि कुछ अंदाज़ा पिछले को हो जाए, कुछ आप बचा दो, कुछ आपका वाहन बंदा है तो उससे बहुत बहुत बेनिफिट आपको मिलेगा। बस अब यहाँ घूम गए हैं, सुबह सुबह खाली पड़ा है। तो दोस्तों ये बेनिफिट है अपने टाइम पर आने का, अब ना कोई कहने का भी, ये देखो इधर कितने निशान हुए इधर, इसलिए ये वाली लॉबी वो है जिनकी पर्ची नहीं मिल रही, टाइम गलत हो गया या वो गलत टाइम पर आ गए या जिनके गन्ने ज़्यादा गंदे हैं, तो ये लॉबी उनके लिए है, बाकी नंबर के लिए ये है। और मिल बिल्कुल खाली पड़ा है। राम राम जी भैया। ये हमारे भाई का देखो आई सर आज भी ऐसे ही चल रहा है, इतने शौकीन भाई हैं अपने, इन्होंने आई सर रिन्यू करवा लिया था लेकिन बेचा नहीं। तो दोस्तों अमन भाई का फ़ोन आ गया था, अमन शर्मा जी का,
कटड़े के बारे में कुछ बात हुई है, अब इसे तुलवा लेते हैं। दोस्तों लगभग 40 हो जाएंगे क्योंकि 70-80 का हाड़ा हुआ है। दोस्तों ज़्यादातर बुग्गियाँ गन्ने पलट के जा चुकी हैं क्योंकि बुग्गी वाले सुबह बहुत चलते हैं, बहुत ज़्यादा सुबह, और अब जो है दोनों ही चैन खाली पड़ी हैं तो बड़ी वाली पे ले चलते हैं। हो सकता है छोटी ना चल रही हो, सुबह को छोटी नहीं चलती तो बड़ी पे ही चलते हैं। और सामने अपने भैया जी हैं जो ट्रेन अगली बुग्गी में बगा बिनोड़े, भैया राम राम, बगा बिनोड़े कम खुआओ, अगली में टक्कर पेल रहा। तो दोस्तों ये अब सीजन में कब घुमाओगे जोटे, या तो ये गंगा जी पे बाजा तो गंगा जी पे आ जाएगा। जो है 35 देखो, सोनाली का 35 ट्रोला लगता है हमारे मील में क्योंकि सोनाली का साइज बहुत है, वजन बहुत है इस ट्रैक्टर में, तो इसलिए 35 हॉर्स पावर भी ये लोड पर 45 हॉर्स पावर निकालता है। चल पड़े हैं आगे, ये देखे दोस्तों ट्रॉली तुल गई है, चेक भी हो गई है, ये देखें, और दोनों चैन खाली हैं, एक मेरी ट्रॉली है, अभी पीछे से एक ही ट्रॉली आई है वो दूसरी तरफ मुड़ गई है। दोस्तों 40 क्विंटल 14 किलो हो गए हैं, बहुत बढ़िया रहा। अगर हम दिन में भरते तो फिर कल आती ट्रॉली, तो दो दिन बाद आती तो उसमें फर्क पड़ता है, 1.5 क्विंटल गन्ना सूख जाता। अब चलते हैं घर फटाफट। खत्म हो रहा है जी चाचा, और जो है शाम को गाड़ी आएगी, शाम को लगेगी, अरना बाजार में है, तो मतलब अभी वो मान लो के दोपहर बाद है, दोपहर बाद फटाफट। दोस्तों ट्रैक्टर खड़ा कर दिया है साइड में, और एक बार चाचा को पैसे दे के आते हैं क्योंकि यूरिया नहीं आया था, और ये यहाँ आलू लग गए हैं, बिजली चल रही है। और दोस्तों देखते हैं टाइगर जो है चाचा ने फिर बेचा नहीं था, बचा लिया था, राम राम जी, राम राम। क्योंकि दोस्तों पूरे सीजन की बात है, देखो जोटे ने कितना जल्दी खलास करा खेत, ये देखें। अजी मैनू कह रहा इससे कम तो चाचा जोटा कम ही रह जा, और सबसे बड़ी बात है जोटे में गुण है, जोटे में गुण बहुत है। दोस्तों ये जोटा रेस वाला ही था, और देखो हमारे चाचा ने इसे गौर करके ऐसा कर दिया बिल्कुल सेट। हाँ 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 बिल्कुल सही, और नहीं तो हमने तो टाइम पे खेत खाली कर लिया, ये देखो इतना तो हमारे पे भी नहीं हुआ। दोस्तों बहुत ही बढ़िया भैंसा निकला और बहुत ही शानदार, और देखो कितना शांत कर दिया इन्होंने, और नहीं आग बढ़ रही थी इसका, चल करते ही मैंने कहा चिंगारी बाल देता, पर इन्होंने फिट कर दिया। देखो कैसी बनावट है, ऐसा तो झोटा मिलना ही मुश्किल है, बहुत ही शानदार। अब दोस्तों मैं चाचा को पैसे दे के 500 रुपये वापिस चल दिया हूँ, गाड़ी दोपहर बाद आएगी, इतने तो इनका झोटा पहुंच जाएगा, और यही बुग्गी में ले आएंगे। तो दोस्तों चल रहे हैं पीछे, देखो कितना बड़ा खेत खाली करा जी, कमाल है, झोटे ने तो कमाल ही कर दिया, दो दो बुग्गी मार दी रोज, क्योंकि इनके कई सारे बोंड हैं तो ये ऐसे ही करते हैं, ज़्यादा पर्ची होती हैं तो पहले एक खेत खाली कर दिया, फिर दूसरा कर दिया, फिर तीसरा कर दिया। तो दोस्तों अब फटाफट चल रहे हैं, घर पहुंच रहे हैं। यहाँ तक की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, धन्यवाद, जुड़े रहिए। दोस्तों ये देखें उपरांत भाई ने जो है भैंसा सेल नहीं करा था, अब जो है गंगा जी जाएंगे दोनों कटड़े, कक्कू भाई वाला भी जा रहा। अब दोस्तों देखो तैयारी है, दोनों जो है फिरक, एक पर बड़ी बुग्गी जाएगी, दोनों में फिरक है, अच्छा फिरक फिरक ही ठीक है। हाँ दोस्तों ये देखें बहुत ही बेहतरीन कटड़ा तैयार हुआ, और बहुत ही अच्छा पशु ये निकला, चले चलो 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 चलो, और खूंटे का बिल्कुल शांत है, एक तरह से ऐसा मानो जैसे बिल्कुल बाजीगर, बस ये तो नुमानो सताया गया घना, अब आके झोटा जो है नुमानो तैयार हुआ है, तो उपरांत मूड फ्रेश कर रहा पूरा पूरा फुल फुल, बहुत बढ़िया। और दोस्तों कक्कू भाई वाला जो है ये आगे पीछे जाएंगे, बहुत बढ़िया, सामान जो है ट्रैक्टर पर रखा जाएगा, ट्रैक्टर ट्रॉली में,
और बाकी जो है कटड़े पिड्ढे में जाएंगे। बहुत ही बढ़िया टिकला कटड़ा, बहुत ही शानदार, जेवड़े का स्टेयरिंग चलने का बहुत बढ़िया। तो दोस्तों गंगा स्नान पर दिखाते हैं आपको जल्दी। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अब यहाँ ट्रैक्टर रोक लिया है आके। तो दोस्तों आ गए हैं भाई के पास में, और जो है कपड़े से ही राम राम जी, कपड़े से चमका दिया, नुहाने की भी जरूरत है, अभी से नुहाई हो मत ना। ना ना कोई दिक्कत नहीं, मौसम तो सब बढ़िया ही है। तो दोस्तों ये भी रेडी है देखो चलने के लिए, बहुत ही शानदार और कमाल की बात है। गन्ने भी डाल दिए कई बुग्गी। तो जी कितना एरिया खाली कर दिया? चलो जी बहुत बढ़िया, बस झोटे वाले एडवांस बहुत चल रहे। तो दोस्तों इसे भी दिखाते हैं आपको, शाम को जोड़ोगे? ठीक है जी बढ़िया। ओहो जाम लग गया, कहाँ है, बहुत जाम लगा दिया। चलो जी चलो। नमस्कार दोस्तों, ये आप देख रहे हैं मैसी पे अभी फोर्ड की बैटरी चल रही है। ये बैटरी हमारी डिस्चार्ज हो गई थी, अब यही वाली आ गई है सेम टू सेम। और भाई जो है गारंटी वारंटी करके गया है, हम थोड़ी बड़ी बैटरी लगवानी चाह रहे थे लेकिन उन्होंने गारंटी ली है। नुका जी अब की बार जो इस पर लिख रहा है हम उससे भी ज़्यादा की आपको 10/10/2023 की है। तो दोस्तों अब जो है अगला व्लॉग शुरू कर रहे हैं, पहुंच रहे हैं बहुत ही सरप्राइज की जगह, बहुत ही खासम खास।